नकवाना जाफरी। अच्छा जी हमारे हाथ तो आ गई है नकमाना जाफरी जी, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू फॉर कमिंग, तशरीफ रखेंगे बहुत सारी तालियों में। कितना अच्छा गया नकमाना, आपने मजा आ गया। क्या गाना गाया आपने, हमारे रिच जो है ना पूतर गए। आपके चिड़िया घर के वैसे केस दो खाली हैं। क्या खाना गाया, हमारी बकरी भी झूमने लग पड़ी। कैसा न्यू ईयर, ऐसे जानवर इकट्ठे कर लेने। सबसे अच्छा गाना वही है जो नकमाना जी ने इनको डेडिकेट कर दिया है। कौन सा गाना? मैं हूँ माजूर लैला और ये है लंगूर लैला। और आप जिस मेहमान को बुलाने जा रही हूँ वो फूलों की तरह बड़ी नाजुक हैं, जिस तरह से उनकी आवाज प्यारी है वो देखने में बहुत प्यारी है, तशरीफ लाती है गुलाब। आज की रात हमारे शो पे गुलाब की खुशबू भी महकेगी। क्या है? क्या गाना का निक्का जी ढोला, ये आपके लिए नहीं था। नहीं, आपको ये सब के लिए था। निक्का जी ढोला, आपको किसने कहा कि आप कौडू से मोहब्बत करें? बाबा तेरा ते बनना है बुड्ढा जी ढोला। बनाते थे पमे बुड्ढा ही बना। ये बाबे नु जदों कोट पैंदी ना उदों ये गाना लाउंदे ने डांग फड़ के। माठा जी अडोला ठाए ठाए। बल्कि बाबा कोई कागज चुनो ना ली लब। रल मिल के कोई लिया ही थे। वैसे गुलाब आपने क्या किया यार, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन है, आपने आते के साथ ही हमें लोरी सुना दी क्या? नहीं नहीं, ये लोरी नहीं है, ये गाना है। और जैसे आप सब झूम रहे थे तो आपको गाने का पता चल ही गया। यार ये गाना किधर है, ये तो धमकी भी है। इस गाने के बीच में एक बोल थे ना, या तो साडा दोस्त बंद वंच या फिर साडे शहर विच ना आया कर। ये बेसिकली प्यार वाली धमकी है। ये धमकी नहीं बेचे, पाबंदियां बड़ियां ने। एक नालों की बेचारी की इज्जत भी नहीं रहन दे रहा। निका जिहा ढोला भी उन्हें कह रहे तेरा कद छोटा, उसको कह रहे काला सूट ना पाया कर, उसको कहते जो साडे शहर आना हुंदा तो फिर जरा तरीके नाल आया कर। ये जरा नखरे वाला ढोला ना। गुलाबो में बेचारे बेचारे नु कहंदी काला सूट ना पाया कर, उदे कोल है ही इक सूट, ओ भी ना पावे। ओ नहीं, गाना सही गा रही थी, जब बाबे पे नजर पड़ी ना तो फिर उन्होंने कहा है कि हमारे शहर ना आया। इस महफिल में चार चांद लगाने के लिए एक और नाम शरीक करते हैं, मलकू। नगमाना जी, गुज़िश्ता साल खुशियों भरा गुजरा या फिर कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह गई बताइए। जी ख्वाहिशें तो बादशाहों की अधूरी रहती हैं। मैं समझती हूँ कि गम और खुशी अगर ये दोनों साथ साथ ना हो जिंदगी का मजा नहीं। तो पिछले जो गुजरा हुआ बिल्कुल सही है, खुशियां तो तुम मिल रही हैं ते गम नाल रख लो। सही कह रही है फिजा, ये जो आपके गेस्ट हैं ये खुशी की सुबह हैं और चाचा हमारा शामे गम है। अच्छा ये हो जी हैं तस्वीर शेप च लगी हैं 47 च एवी मर गए। बल्कि जी आपको नहीं लगता मौला जट को कहीं देखा है? मुझे भी शक पड़ रहा है कहीं देखा है, कहाँ देखा है। अच्छा शादी पे देखो का शो पे ना। क्या कर रहे थे वहाँ पे? बाजे वाले ना। वो शादी पे बाजे नहीं बजाता, इस डंडे नाल हड्डियां इकट्ठी करके ना कुत्तियां नु बेचदा है। नहीं नहीं बाजा नहीं बजाउंदा इस गल दी मैं कन्फर्म तुहानू कसम खा सकदा, क्योंकि जिदा दा मौसम जा अंडिया ना ठंडा बाजा इन्हां ने किथे मुंह नु लाउणा। ओए तेरा तलाक वाली सासर दा मुंह है, तू क्यों नहीं? बल्कि आप बताइए ना, गुज़िश्ता साल कैसा गुजरा और अभी नए साल की क्या क्या प्लानिंग्स है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मालिक कायनात का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, जो रब से मांगता हूँ वो दे देता है। वाह। तो अब नए आने वाले साल की क्या क्या प्लानिंग्स हैं जरा हमारे साथ भी शेयर कीजिए। मलकू सीजन 2 आ रहा है, डिफरेंट लोगों के लिए म्यूजिक कर रहा हूँ। सीजन 2? अच्छा सीजन 2 आ रहा है, उसमें 3-4 गाने आ चुके हैं, बल्कि उसमें नकवाना जी का भी है, गुलाब भी है, बहुत से आर्टिस्ट ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो नहीं कर सकते म्यूजिक, जिनके पास पैसे नहीं है इन स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो उनके लिए भी कर रहा हूँ। 2-4 ऐसे नए नाम हैं जो बहुत सा गाते हैं। अच्छा। वो भी हैं, पुराने भी हैं, तो उन लोगों को भी।
हमारी एलिजाबेथ राय के पास भी तो पैसे नहीं है बेचारी, यहाँ से जाते वक्त चाचा से या मौला जज जैसे लोगों से किराया लेके जाती है फिर जाके घर पहुंचती है। बड़े पैसे ही 5000 का नोट रेडी रख के ले जाती है। ਨੀ ਐਲਿਜ਼ਬੈਥ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੇ ਗਾਤੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਾ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਅੰਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਰਾ ਖਾਂਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖਬਰਦਾਰ ਸਾਡੀ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਮੁੱਕਦਾ ਕਿੰਜ ਨੂੰ ਘਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਿਮਟਾ ਵਜਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਵਜਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਕਿ ਪਾਂਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟਾ ਪਿਓ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਚੌਲ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰੀਏ ਮਲਕੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਬਸ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਅੱਛੇ ਪਾਏ गुलाब आप बताइए गुज़िश्ता साल क्या पाया क्या खोया? गुज़िश्ता साल में अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी शोहरत दी अच्छे दोस्त दिए सेहत दी और सीनियर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहा और आने वाले साल में भी यही उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक इसी तरह मुझे इज्जत देता रहे। अच्छा सेहत पे ज़्यादा जोर दिया मलकू साहब ने, हो सकता है आप इनके स्टूडियो जब गाने के लिए गई हो तो आपने बहुत कुछ खाने को ऑर्डर कर दिया नहीं वैसे सार रोक के बैठी हुई ना सार रोक के क्यों रब रस्मार लग सिंगर ऐसी है नहीं मेरे साथ बैठी हैं एलिजाबेथ और गुलाब इन्होंने बहुत ग्रो किया है। मलकू भाई ने गल ठीक की आ जी साड़ी एलिजाबेथ आ इनू फंक्शन ना मिले तो रोन लग पैंदी है जब घर चले जाती है मैं ही गाना ऐसे प्रमोटर चिट्टे कपड़े पा के जा रहा ना तो उत्ते एक चिक्कड़ पा देंदी है मेरे से गाना नहीं ना करवा रहे हो देखा गुजरे साल से आपको कितनी शोहरत मिली कितने पैसे इकट्ठे किए कितने कॉन्सर्ट्स किए सच सच बताना है आपको स्पेशली हमारे शो से तारों से करे बातें से कितनी पजीराई मिली कितने लोगों ने पसंद किया बहुत अच्छा था एग्जैक्टली बहुत ज्यादा फैंस जो हैं उनका प्यार मिला किस वजह से वो बताइए तारों से करे बातें की वजह से एग्जैक्टली तारों से करे बातों की वजह से आपकी पहचान क्या है तारों से करे बातें शो है आपका नाम क्या है तारों से करे बातें आपका काम क्या है तारों से करे बातें क्या बात है यार मजा आ गया एंड फिजा जी मैं ये कहना चाहूंगी कि आई एम वेरी थैंकफुल टू सर आफ्ताब जी एंड GNN का जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जो कि जिसकी वजह से आज मैं हूँ वेलकम बैक यू वॉचिंग योर फेवरेट शो तारों से करे बातें नगमाना जी आप बताइए ना अपने करियर का आगाज कैसे किया कब किया पहला गाना कौन सा था किस गाने से शोहरत मुझे 300-400 साल हो गए जब मैंने गाने का आगाज किया अब आप मुझे ये ना कहिए कि मैं इच्छा दा रही हूँ मैं एक शो में गई 70 साल के बुजुर्ग मिले मुझे कहते जी मैं आपका बड़ा फैन हूँ ना मैंने कहा अच्छा जी कहते मैं बचपन से आपका गाना सुन रहा हूँ मैं हूँ मगरूर लैला मैंने कहा बुजुर्ग बार शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि आप पैदाइश से पहले मेरा गाना सुन रहे हैं नाले शो बिज़नेस दे लोगों को की माइंड करना चाहिए पता होंदा लोगों को वेख रहे होंगे इन्ने अरसे तो मैं छोटा जिहा सा मैं उदों दा मलकू नूं वेखण दे यार चाचा चाचा तो माफ कर दे मलकू जी इहदा बुरा नाम मनाउणा ए ते साडी चाचे नूं कहदा मैं छोटा सा था जब से आपको चाहता अच्छा छोड़े ये ना मेरी कितनी उम्र घट होगी कि मैं आज मलकू वेखणा अपना बचपन की गल कर रहे हैं चाचा है जदों तू बचपन च सी ना उदों चार लोग होंदे सन एक तू सी एक फराउन से एक कैमल ही शाह एक प्रवेज खटक या लंघ दिया लंघ दिया एक बंदा कह के तो कौन इधर बैठे हुए क्या अच्छा उदो दुनिया के उत्ते ना अपना चौरी शिवराज साहब जो सन गैसट एंट्री करते सन उन्होंने लिखा भी जाता स्पैशल थैंक्स मेरे तो एक ही थी ना भाई मैंने करके निकल जाना बाकी ये दुनिया की जो फिल्में फिल्में आपने चलानी है रोटी रोटी खाओ मिट्टी रोटी खाओ तुम अपना फैसला आप करो कुकड़ी यहो जहा बंदा अपने सिर च आंडा मार के कहता अज इतने बारिश ही होएगा बाबे नू अकल कोई नहीं है
ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੌਮੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪ ਕੌਮੇ ਚਲੇ ਗਏ अब हम नए साल के लिए चलते हैं लाडले खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आइए जी।